So our today's topic is poverty and inequality. In this, you will write, in democratic countries, the main feature of democracy is equality. First of all, in this, you will write, the main feature of democracy is equality. Equality is the main feature of democracy. There is no discrimination on the basis of rich and poor. But still, we can see poverty and inequality in democratic countries. You will start like this. The main feature of democracy is equality. There is no gap between rich and poor. But still, we can see poverty and inequality in democratic countries. This is the major challenge faced by democratic countries. This is the major challenge faced by democratic countries because rich are becoming richer day by day and poor are becoming poorer day by day. For this, government is responsible because wealth of the country is not equally distributed. Listen again, the main feature of democracy is equality, but still we can see poverty and inequality in democratic countries. Rich are becoming richer day by day, poor are becoming poorer day by day. This is the major challenge faced by democratic countries. For this, government is responsible because wealth of the country is not equally distributed. Yahan pe humne government ko kahin na kahin responsible thara diya. Wealth of the country is not equally distributed. Aapne ye batana. फिर आपने कहना है इंडिया इज द अब यहाँ पे फिर इंडिया इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन अवर कंट्री स्टिल 26% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन. आपने बताना इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल 26% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन. And in Bangladesh, half of the population is below poverty line. आपको वन मार्क में भी पूछ लेते होते हैं क्योंकि this is given in the book. In Bangladesh, 50% people are below poverty line. How many people are below poverty line? How much percentage of population in Bangladesh is below poverty line? तो आपको याद होना चाहिए 50% people in Bangladesh are below poverty line. So in this, you will write this. पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी में आप यही बताओगे. पहले तो आप बताओगे कि मेन फीचर है क्या डेमोक्रेसी का. द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी बट स्टिल वी कैन सी चाहे इक्वालिटी है बट वी कैन सी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. दिस इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज. रिच आर बिकमिंग रिचर डे बाय डे, पुअर आर बिकमिंग पुअरर डे बाय डे. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज वेल्थ ऑफ द कंट्री इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर आपने कहना आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल 26% पीपल इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इन बांग्लादेश हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. नो इज देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. इसमें मेन आपने ये बताना है कि मेन फीचर होके भी ये बात गलत है. मेन फीचर है क्वालिटी, फिर भी रिच एंड पुअर में गैप है क्योंकि कंट्री का वेल्थ जो है दैट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. रिच जो है रिचर होते जा रहे हैं, पुअर पुअरर होते जा रहे हैं. तो ये सब कुछ आप इसमें बताओगे, ठीक है. फिर बताओगे कि कैसे इतने साल हमें इंडिपेंडेंस मिले होंगे फिर भी हमारी कंट्री में इतने सारे लोग 26% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन और बांग्लादेश में तो हम कहेंगे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. तो ये चैलेंज है ना जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है. दिस चैलेंज, इस चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है. इसका सोल्यूशन है इफ गवर्नमेंट स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ इन अ प्रॉपर मैनर. तो इज इट क्लियर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इज देयर इज एनी प्रॉब्लम. आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा. व्हाट डू यू नो अबाउट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. नेक्स्ट, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज योर हैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज accommodation of diversity. तो इसमें आप बताओगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट accommodate diversity
And in this bill, government is successful. Democratic government accommodates the diversity, and in this field, government is, आप कहोगे इस फील्ड में गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल बिकॉज, फिर आप इंडिया की एग्जाम्पल बताओगे. इन इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इन इंडिया पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव एंड दे ऑल लिव टूगेदर इन अ पीसफुल वे. देर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री बिकॉज अवर गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी. हमारी गवर्नमेंट ने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया हुआ है. अपने इसमें यही बताना है कि अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी इन दिस फील्ड गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल बिकॉज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इन इंडिया आप बताओगे पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव टूगेदर इन अ पीसफुल मैनर. हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है. अवर गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि अकोमोडेट की हुई है. ड्यू टू दिस रीजन पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव टूगेदर इन अ सेम कंट्री. देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री. टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी गवर्नमेंट फॉलो फॉलोइंग कंडीशंस. पूछते होते हैं पेपर में, राइट द कंडीशन गवर्नमेंट हैज टू फॉलो टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. गवर्नमेंट को कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. तो आप बताओगे गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. फिर आप ऊपर से कुछ नहीं लिखोगे, आप सीधा कंडीशंस लिखोगे. अगर आपको टॉपिक ही अकोमोडेशन डाइवर्सिटी आता, देन यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन एंड देन यू विल राइट फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू फॉलो सम कंडीशंस. अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप कैसे लिखोगे, पूरा आपको बिगनिंग से लिखना है. अकोमोडेशन डाइवर्सिटी में आप लिखोगे इन दिस फील्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल बिकॉज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इन इंडिया पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव टूगेदर इन अ पीसफुल मैनर इन अ सेम कंट्री बिकॉज अवर गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी. एंड टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस. पेपर में 3 मार्क्स में पूछते थे राइट 3 कंडीशंस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती. तो आप इसमें फर्स्ट कंडीशन बताओगे, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू वर्क टूगेदर. दोनों को मिलके काम करना होता है. मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू वर्क टूगेदर. मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी. मेजोरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती. मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू वर्क टूगेदर. मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी. मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट. This you will write in the first point, first condition. Majority and minority को लेके आप जैसे मर्जी भी लिख सकती हो, ठीक है. Majority और minority को मिलके काम करना है. Majority minority को dominate नहीं कर सकती. Majority अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती. For example, you have read श्रीलंका ना. श्रीलंका में कैसे majority ने अपनी मन मर्जी की, कैसे उनको dominate किया, ठीक है ना. उन्होंने diversity को accommodate ही नहीं किया, तभी तो वहाँ पे civil war भी हुई थी. Belgium वालों ने accommodate किया था. You have read all. तो आप उसी को ध्यान में लेके लिखो कि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू वर्क टुगेदर. इंडिया में ऐसे ही है, मेजोरिटी माइनॉरिटी मिलके वर्क करते हैं. मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी. मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट. श्रीलंका में तो उन्होंने मेजोरिटी ने जो चाहते थे वही किया. उन्होंने सिन्हाला को मेन लैंग्वेज बनाया, बुद्धिज्म को मेन रिलीजन बनाया. उन्होंने अपनी मनमर्जी की. उन्होंने तमिल को इग्नोर किया था. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में आप ये एग्जाम्पल्स आपकी मर्जी है, अगर आप पेपर में लिखना चाहो तो कैन राइट. अदरवाइज यू विल राइट ओनली कंडीशंस कि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू वर्क टुगेदर. मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड में आप बताओगे गवर्नमेंट शुड कैरी जनरल व्यूज. गवर्नमेंट को जनरल व्यूज लेके चलना. गवर्नमेंट ये नहीं है किसी एक ग्रुप को लेके चलेगी. गवर्नमेंट शुड कैरी जनरल व्यूज. गवर्नमेंट शुड कैरी कैसे व्यूज लेके चलना चाहिए गवर्नमेंट को, जनरल आम पब्लिक को साथ लेके चलना. बस दिस यू विल राइट इन सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट शुड कैरी जनरल व्यूज. थर्ड में आप बताओगे नो डाउट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी. ये मेजोरिटी का रूल है. पता है ना आपको कि गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपनी सेंटर में मेजोरिटी शो करती है आफ्टर इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजोरिटी शो करती है वही गवर्नमेंट बनाती है. यू नो इट वेरी वेल.
तो आप इसको हम कहते हैं तो रूल ऑफ मेजोरिटी है, तो हम कहेंगे नो डाउट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, बट हियर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज, एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे ही है ना, मेजोरिटी का पार्ट बीजेपी इज रूलिंग पार्टी, मेजोरिटी पार्टी है तो हर कोई उसमें है, हर कास्ट के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उसमें, एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। लिसन अगेन, नो डाउट इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, बट हियर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज, एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी। पार्लियामेंट में कहीं पे भी देर आर नो फ्रोजन सीट्स फॉर एनी कास्ट कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट। कभी सुना है पार्लियामेंट में किसी कास्ट की या किसी रिलीजन की फ्रोजन सीट्स हैं? नो, देर आर नो फ्रोजन सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर एनी कास्ट एंड एनी रिलीजन। एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का पार्ट कोई भी बन सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नो इज इट क्लियर? नो डाउट इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, ये रूल है मेजोरिटी, मेजोरिटी रूल करती है, मेजोरिटी का ही रूल रहता है कंट्री में। बट हियर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज, एवरीवन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जबकि उधर क्या हुआ था, सिन्हाला सी मेजोरिटी का पार्ट थे, उन्होंने बाकियों को अलग कर दिया था अपने आप से। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है, हर रिलीजन के लोग बीजेपी में है, हर कास्ट हर लैंग्वेज बोलने वाले बीजेपी में है, उस मेजोरिटी पार्टी का पार्ट है वो लोग। तो यहाँ पे मेजोरिटी तो है बीजेपी पार्टी, रूल ऑफ मेजोरिटी है क्योंकि उसने मेजोरिटी शो की, बट मेजोरिटी एक कास्ट एक रिलीजन को लेके नहीं बनी। एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी। नो इज इट क्लियर? अकोमोडेशन डाइवर्सिटी, आपने कहा इन दिस फील्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल बिकॉज गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप लिव टूगेदर इन अ पीसफुल मैनर इन अ सेम कंट्री। ठीक है, फिर आपने बताना है कि एक ही कंट्री में लोग पीसफुल वे से रहते हैं, इट इज बिकॉज गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी। फिर आपने कहना टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी गवर्नमेंट हैज टू फॉलो सम कंडीशंस। तो आपको कौन सी कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी जो होते हैं दे हैव टू वर्क टूगेदर, दे हैव टू वर्क टूगेदर। फिर आपने कहना मेजोरिटी कैन नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी, मेजोरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस वजह से आप बता दो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, मेजोरिटी कोई भी मेजोरिटी का पार्ट बन सकता है। ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन रूल, तो मेजोरिटी का, बट एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी, ये भी आप बताओगे। गवर्नमेंट शुड कैरी जेंडर रूल्स। नो इज देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, अकोमोडेशन डाइवर्सिटी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, वॉट टॉपिक्स आर क्लियर? पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड ये तो मेजर चैलेंज बना हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अकोमोडेशन डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट हैज अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज प्रमोट डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस, तो इसमें आप बताओगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपने सिटीजंस की डिग्निटी को प्रमोट किया हुआ है बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स। लिसन अगेन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिखोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स देके उसने सिटीजंस की डिग्निटी को प्रमोट किया हुआ है। ठीक है, यू विल राइट लाइक दिस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज, यस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स देके सिटीजंस की डिग्निटी को प्रमोट किया हुआ है। फिर आप इसमें बताओगे कि अर्लियर इन द वर्ल्ड देयर वर पैट्रियार्चल सोसाइटीज, अर्लियर देयर वर पैट्रियार्चल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। अब पैट्रियार्चल का मीनिंग पेपर में पूछ लेते होते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, अर्लियर देयर वर पैट्रियार्चल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड मीन्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, नो राइट्स वर गिवन टू वुमेन।
Women had to struggle a lot to get equal rights as given to men. No rights were given to poor people also. You have read in 9th French Revolution chapter. तो हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो पुअर को भी नॉन प्रॉपर्टी ओनर्स को भी राइट नहीं दिए होते थे एंड साथ में वुमेन को भी राइट्स नहीं दिए हुए थे. बट एज द कंट्रीज स्टार्टेड बिकमिंग डेमोक्रेटिक, जैसे ही कंट्रीज डेमोक्रेटिक बनना शुरू हो गई, दे स्टार्टेड गिविंग इक्वल राइट्स टू देयर सिटीजंस. आपने बताना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स. अर्लियर देयर वर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, पैट्रियार्चल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड. नो राइट्स वर गिवन टू पुअर पीपल एंड वुमेन. दे हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी टू गेट इक्वल राइट्स. But as the countries started becoming democratic, जैसे countries क्या बननी शुरू हो गई थी democratic, they started giving equal rights to their citizens. फिर यहाँ पे आप बताओगे India is the largest democracy in the world and our government has given equal rights to male and female. There is no discrimination on the basis of gender and caste. No discrimination on the basis of gender and caste. If any injustice, government has given legal base to the rights of women. Government ne legal base bhi diya hua hai to the rights of women. If any injustice is done with women, she can raise her voice against such injustice. In our country, seats are reserved for SC and ST in government bodies. In this way, our government has promoted the dignity of these people also. In this way, our government has promoted the dignity of these people also. Promote dignity mein aap bataoge, democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights. Fir aap thoda sa back तो चले जाओगे कि अर्लियर हमारी सोसाइटीज कैसी थी वर्ल्ड की. आप पूरे वर्ल्ड की बात करोगे यहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड में ही डिस्क्रिमिनेशन था. वुमेन को राइट्स नहीं मिले हुए थे, पुअर को राइट्स नहीं मिले हुए थे. दे हैड टू स्ट्रगल अलोन. बट फिर जैसे ही कंट्रीज क्या बननी शुरू हो गई, डेमोक्रेटिक. और डेमोक्रेटिक बनने के बाद दे स्टार्टेड गिविंग इक्वल राइट्स टू देयर सिटीजंस. फिर आप बताओगे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड आफ्टर बिकमिंग डेमोक्रेटिक अवर गवर्नमेंट हैज गिवन equal rights to male and female and legal base is given to the rights of women. Legal base is given to the rights of women. If any injustice is done with women, she can raise her voice against such injustice. Phir aap bataoge, in our country seats are reserved for SC and ST. In this way government has promoted the dignity of these people also. Now is it clear? Means promote dignity में आपने वुमेन एंड एससी एसटी को लिखना. बट वाई बिफोर राइटिंग यू हैव टू गिव एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया. आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज एससी एसटी आप सिंपल लिख दोगे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज फिर ये बात नहीं बनेगी बिकॉज हम कहेंगे कि ये तो इंडिया में ही है ना. तो इस वे से आप बताओगे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया राइट्स आर इक्वल राइट्स आर गिवन टू मेल एंड फीमेल. फिर आप बताओगे लीगल बेस दिया हुआ है गवर्नमेंट एंड राइट्स को. अगर किसी वुमेन के साथ इनजस्टिस हो भी जाए, she can raise her voice against such injustice. Fir hum kahenge our government has reserved seats for SC and ST in government bodies. In this way our government has promoted the dignity of these people also. Now is it clear? Promote dignity and dignity of its citizens. Is there is any problem in these three topics? Poverty and inequality, promote diversity, promote dignity of its citizens. If students, anyone from you having any problem in these three topics, raise your hand. All the topics are clear, then I will start the next. Okay, next is examination in democracy. Examination in democracy never gets over. Justify
तो आपने बताना है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर इफ गवर्नमेंट क्लियर्स वन चैलेंज प्रोड्यूसेस अनदर. अगर गवर्नमेंट एक चैलेंज क्लियर करती है नेक्स्ट इज रेडी फॉर इट. इफ गवर्नमेंट क्लियर वन चैलेंज प्रोड्यूसेस अनदर इट इज बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आर मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो अच्छा होता है ना उससे आस उम्मीद बढ़ जाती है. इज इट क्लियर. इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आर मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट. आप अच्छे हो ना तो आपसे एक्सपेक्टेशंस हमारी पेरेंट्स की बढ़ चुकी हुई हैं कि आप बहुत अच्छी परसेंटेज लेके अपनी जाओगे टेंथ में से. ठीक है, जो अच्छे होते हैं ना उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं. तो यू ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड. सारे ही बहुत अच्छे हो जो क्लासेस लगाते हैं वो बच्चे वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं. तो कोई किसी के अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए चलो एक बात अलग है, बट कोई नहीं लगाता ना वो प्रॉब्लम में जाएंगे. तो आप कहोगे कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आर मोर इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी जो है ना वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आर मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट. लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं गवर्नमेंट से. इफ गवर्नमेंट गिव फैसिलिटीज सम फैसिलिटीज पीपल नेवर गेट सेटिस्फाइड दे डिमांड मोर एंड मोर. ठीक है, इफ गवर्नमेंट गिव सम फैसिलिटीज पीपल नेवर गेट सेटिस्फाइड दे डिमांड मोर एंड मोर. वो और चाहेंगे कि हमें और फैसिलिटीज मिले. इन डेमोक्रेसी पीपल ऑलवेज सी देअर पावर होल्डर्स क्रिटिकली. लोग हमेशा अपने पावर होल्डर्स को अपनी गवर्नमेंट को पावर होल्डर समझ गए ना गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. पीपल ऑलवेज सी देअर पावर होल्डर्स क्रिटिकली. लोग अपने पावर होल्डर्स को कैसे देखते हैं क्रिटिकली. बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक दैम बेस्ट. क्योंकि वो उनको बेस्ट बनाना चाहते हैं. So in this way we can say democracy examination never gets over. कभी भी examination खत्म नहीं होती. Government clear one challenge produces another. फिर हम कहेंगे it is the best form of government. So expectations of people are more from the government. If government gives some facilities, people never get satisfied. They demand more and more. They always see their power holders critically. Because they want to make them best. क्योंकि वो उनको और अच्छा बनाना चाहते हैं. ठीक है, उनकी आस उम्मीद रिप्रेजेंटेटिव से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. बिकॉज लोग ही तो उन्हें पावर में लाते हैं और लोग चाहते हैं कि वो उनके बिहाफ पे उनकी विशेष के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाएं. क्योंकि लोग पावर में लेके आए हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग सारा वर्क होना चाहिए. तो पीपल ऑलवेज सी देअर पावर होल्डर्स क्रिटिकली. वो एक छोटी सी भी गलती करते हैं पीपल सी देअर पावर होल्डर्स क्रिटिकली बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक दम बेस्ट. तो आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. इज देर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर विद मी.